ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगभग डेढ़ साल पहले लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहने के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार में उड्डयन मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दे दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो उनकी राहुल गांधी से गहरी दोस्ती थी। अक्सर ही दोनों नेता एक दूसरे के साथ जुगलबंदी करते नजर आते थे। वहीं राहुल गांधी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की नजदीकियां कई मौकों पर साफ दिखाई देती थी। 2014 के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद भी दोनों नेता कई बार साथ दिखे थे। कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का कमल खिलाने में लगे सिंधिया को कभी गांधी परिवार का सबसे नजदीकी शख्स माना जाता था। राहुल गांधी के साथ उनकी दोस्ती ऐसी थी कि दोनों अक्सर एक ही पहनावे में नजर आते थे, लेकिन कमलनाथ के साथ उनकी सियासी उठापटक अक्सर दिख जाया करती थी। पार्टी के भीतर कई बार यह भी चर्चा उठती थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि उन्हें सांसद बनाकर राज्यसभा भेज दिया जाए, लेकिन दिग्विजय सिंह उनके नाम पर तैयार नहीं थे, जिसके बाद से ही सिंधिया ने कांग्रेस के साथ राहुल गांधी से भी दूरी बनानी शुरू कर दी थी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।